हेलो फ्रेंड्स, गौरिस्का होम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो दिवाली स्पेशल है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर का हर कोना जगमगाए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ जो मिनटों में तैयार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ये कांच का ग्लास ले लिया है। इसमें देखिए मैं पानी भर दूंगी। इसी के जैसे मैं और भी ग्लास ले लूंगी, तो मैंने ये चार ग्लास ले लिए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, पानी में मैंने ये वाटर कलर मिला दिए हैं, तो चारों ग्लास में मैं अलग अलग वाटर कलर मिला दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये प्लास्टिक का ढक्कन ले लिया है और इसको मैं, देखिए आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सर्कल काटने हैं। और सर्कल काटने के बाद कोई भी शॉर्प पिन से या फिर डिवाइडर से आपको बीचों बीच इसमें छेद करने हैं। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको छेद इतना बड़ा रखना है ताकि आप कॉटन वाली जो बत्ती बनाते हैं हम, वो आसानी से चली जाए। तो अब मैंने कॉटन की ये बत्ती ले ली है और इसको मैं इसमें डालूंगी। तो ये हमारी बत्ती डल चुकी है इसमें, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको ऑयल में डिप करूंगी फ्रेंड्स, और ताकि हमारी ये बत्ती पूरी तरीके से ऑयल में भीग जाए। तो आप ये कोई सा भी खाने का ऑयल ले सकते हैं, मैंने ये मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। ये देखिए मेरी बत्ती पूरी डिप हो चुकी है इसमें, भीग चुकी है ऊपर भी और नीचे भी, जो हमने प्लास्टिक का सर्कल लगाया था। अब ग्लास में मैंने जो पानी लिया है उसमें मैं ऑयल डालूंगी। तो आपको ऑयल इतना लेना है कि आपकी ऊपरी सतह में पूरा फैल जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप किसी भी फ्लावर के पेटल ले सकते हैं। इस तरीके से आप फ्लावर को छोटा छोटा तोड़ लीजिए। आप गुलाब की डाल सकते हैं, मैंने ये मैरीगोल्ड की डाली है, या आप सीक्वेंस भी डाल सकते हैं कलरफुल, तो बहुत ही अच्छा लुक देंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से अब मैंने ये बत्तियाँ डालनी है। हमने जो प्लास्टिक का सर्कल लगाया था उसके कारण ये बत्तियाँ डूबती नहीं है पानी में, ऊपर ही तैरती रहती है। और देखिए अब हमारे ये तैयार हो गए हैं लैंप, छोटे छोटे, जो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। ये देखिए अब मैंने इनको जला दिया है, आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। लाइट ऑफ करने पर भी ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी।